हेलो चिल्ड्रन, ऑल दो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, मगर इसके कुछ पॉइंट्स जो और इम्पॉर्टेंट है वो हम और डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो जितना मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो उन पर फोर्सेस चारों तरफ से नहीं लग रहे, उनमें सिर्फ तीन तरफ से फोर्स लग रहा है, लेकिन जो सेंटर में मॉलिक्यूल है उस पर फोर्स हर तरफ से बराबर है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में समझाया था। तो अगर आप बुक्स देखेंगे तो बुक्स बोलती हैं एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, इसके पीछे कारण है कि जो पार्टिकल सरफेस पर है, ठीक है, वहां पर सेम एनवायरमेंट नहीं मिल रहा इस पार्टिकल को जैसा इस पार्टिकल को मिल रहा है जो कि अंदर है। तो जो अंदर है एड्सॉर्ब एड्सॉर्बेंट, उस पे सारे फोर्सेस जो है इस पार्टिकल पर वो बैलेंस्ड हैं, हर तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, चारों तरफ दूसरे पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो बराबर का फोर्स इस पार्टिकल पे लगा रहे हैं। लेकिन ये जो सरफेस पे आपका पार्टिकल है वो सराउंडेड नहीं है, कहां से? ऊपर से। वो तीन साइड से तो दूसरे एटम से सराउंडेड है, फोर्सेस हैं तीन तरफ से, लेकिन चौथी तरफ से उस पर फोर्स नहीं है, और इसीलिए इनमें अनबैलेंस्ड और रेसिड्यूअल अट्रैक्टिव फोर्स यहां पर होता है, और इन्हीं फोर्सेस के कारण एड्सॉर्बेंट जो है, एड्सॉर्बेंट कौन है? ये जो ब्लू वाला मॉलिक्यूल मैंने बताया था, ये क्या होगा? ये एड्सॉर्बेंट का काम करेगा, क्योंकि ये क्या करने जा रहा है, ये यहाँ सरफेस पे आके बैठने जा रहा है। तो ये जो फोर्सेस हैं, यही फोर्सेस एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं, कहाँ? एड्सॉर्बेट की तरफ, ठीक है। तो ये फोर्सेस, जस्ट मेक अ करेक्शन, दिस इज एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल बिकॉज दिस इज गोइंग टू कम एंड इट इज गोइंग टू कम ऑन द सरफेस ऑफ दिस सब्सटेंस, तो इसे हम एड्सॉर्बेंट कहेंगे। तो एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो सरफेस पर हैं, उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण ये एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल इनकी तरफ खिंचा चला आता है और जो है यहां पर आके स्टिक करता है। और जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, यानी एड्सॉर्प्शन कितना होगा, ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। एक बार पूरा सरफेस पर एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आकर चिपक गए, सरफेस एरिया खत्म हो गया, क्योंकि एड्सॉर्प्शन हो चुका है, तो एड्सॉर्प्शन का जो है रेट वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया खत्म हो जाएगा, जगह ही नहीं बचेगी एड्सॉर्बेट के लिए, पूरे सरफेस पर जो है एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल लग जाएंगे तो फिर सरफेस नहीं रहेगा। तो एड्सॉर्प्शन जो है वो सरफेस एरिया बढ़ने के साथ बढ़ता है और सरफेस एरिया कम होने के साथ डिक्रीज हो जाता है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब ये तो एक फैक्टर हुआ कि एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, जो सरफेस पे एटम्स हैं उन पे फोर्सेस बैलेंस नहीं है, उनके फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए। दूसरा देखिए क्या होता है, जो मॉलिक्यूल, दूसरा फैक्टर जो ये एक्सप्लेन करता है कि एड्सॉर्प्शन क्यों हो रहा है, जो मॉलिक्यूल सेंटर पे है उस पे फोर्सेस स्टेबल हैं, यानी उसकी एनर्जी लेस है, लेकिन जो सरफेस पे है वो अनस्टेबल है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। जैसे ही इस एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल, ये ब्लू वाला आके इसको चौथी साइड से बैलेंस करेगा, इस वाले मॉलिक्यूल को जिसको आप अनस्टेबल कह रहे थे ये स्टेबल हो जाएगा। और जब भी कोई चीज अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, हमेशा क्या होता है, हमें मालूम है कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, क्यों? क्योंकि स्टेबल हो गया है ना, तो स्टेबल हो जाने से एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये जब भी होता है एनर्जी क्या होती है, इवोल्व होती है, रिलीज होती है। सो एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो इसे एक्सोथर्मिक बना रही है, ये आई कहां से? तो ये वो सरफेस एनर्जी है जो कि अनस्टेबल थी पहले और बाद में एड्सॉर्बेट के आ जाने से स्टेबल हो गई। तो ये वो सरफेस एनर्जी है जो घट गई, जो पहले बहुत ज्यादा थी, अनस्टेबिलिटी के कारण एनर्जी जो मैंने ज्यादा लिखी है, ये कौन सी एनर्जी है? सरफेस एनर्जी है। तो ये पहले बहुत ज्यादा थी और ये स्टेबल होते से क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। और डिक्रीज हुई तो जो इंक्रीज अमाउंट था वो रिलीज होगा और रिलीज होने के कारण ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक बनेगा। तो ये वो सरफेस एनर्जी है जो हमें हीट के फॉर्म में दिखाई देती है। स्टेबिलिटी अटेन करने पे सरफेस एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, इसीलिए एड्सॉर्प्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। सो इसीलिए कह सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन इज एक्चुअली एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो हम क्या कह सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन जो है यहां पर डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, हम ऐसा भी कह सकते हैं। सो व्हेन अ गैस इज एड्सॉर्ब, मान लीजिए किसी सरफेस पे कोई गैस एड्सॉर्ब होती है तो जो उसके मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की फ्रीडम है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं कि कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, तो जो भी सरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट है, और इसके सरफेस पे कोई गैस मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो रही है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है, यहां पे किसी सॉलिड के सरफेस पे गैस आके लग रही है, गैस है, गैस का मॉलिक्यूल, तो गैस का मॉलिक्यूल सरफेस पे लग रहा है तो इसे क्या कहेंगे, एड्सॉर्बेट कहेंगे। और सॉलिड के सरफेस पे, ये मान लें कोई भी सॉलिड है तो इस सॉलिड के सरफेस पे गैस लग रही है तो इसे एड्सॉर्बेंट कहेंगे, और ये फिनोमिना एड्सॉर्प्शन है। ठीक है, अब हम गैस के फेस में देखते हैं क्या होता है। तो जब एक गैस एड्सॉर्ब होती है, वो सरफेस पे आके बैठ जाती है, तो इस गैस के मॉलिक्यूल की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यानी इसके मूव करने की जो इसकी आजादी थी वो खत्म हो जाती, क्यों, क्योंकि ये आके यहां पे चिपक गया है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है, जब वो बाहर घूम रहा था फ्री तो उसकी एनर्जी क्या थी, बहुत ज्यादा थी, एंट्रोपी ज्यादा थी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, घूमने फिरने की आजादी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही वो सरफेस पे आया तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज हो जाती है एड्सॉर्प्शन के बाद, यानी डेल्टा एस इज नेगेटिव। डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी को, चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंट्रोपी माने डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कोई चीज कितनी ज्यादा फ्रीडम में है, तो गैस का मॉलिक्यूल का जो फ्रीडम है दैट इज एंट्रोपी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कितना रैंडमली हवा घूम रहा है। पहले घूम रहा था तो उसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो जैसे ही यहां आके बैठा तो क्या हुआ, वो एनर्जी कम हो गई और वो रिलीज हो गई, क्योंकि ये स्टेबल हो गया यहां आके, तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या थी, डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी हो गया, एंट्रोपी जो है वो अब चेंज हो गई, पहले बहुत ज्यादा थी अब घट गई है, तो जो घट गई वो क्या हुई, रिलीज हुई, तो दैट इज वाई हम कह रहे हैं कि डेल्टा एस नेगेटिव है। सो इसीलिए हुआ क्या, एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में एंथैल्पी या एनर्जी हमेशा डिक्रीज हो जाती है, और साथ ही साथ सिस्टम की एंट्रोपी भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल रेस्ट्रिक्टेड हो गया ना, अब ये मूव नहीं कर सकता, इसलिए रैंडमनेस भी कम हो जाती है। और हमें पता है कि कोई प्रोसेस को अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो उसकी थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो ये है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, है ना, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी का फॉर्मूला हमें पहले से पता है क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला है, है ना। डेल्टा जी क्या है यहां पर, डेल्टा जी यहां पर गिब्स एनर्जी है, तो ये गिब्स एनर्जी नेगेटिव अगर आती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, यानी प्रोसेस हो जाएगा, ये हमने 11th में भी पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो डेल्टा एच क्या है, एनर्जी सिस्टम की, टी इज टेम्परेचर, डेल्टा एस इज एंट्रोपी। अब आप ये सोचें कि डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, हमें डेल्टा जी नेगेटिव ही चाहिए, तो डेल्टा जी कब नेगेटिव आएगा, जब डेल्टा एच की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव हो माइनस टी डेल्टा एस से, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, है ना, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो क्या होना चाहिए, एड्सॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस माने एड्सॉर्प्शन को होना है, हो एड्सॉर्प्शन, पॉसिबल हो पाए एड्सॉर्प्शन, तो क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है कि डेल्टा जी नेगेटिव हो तभी एड्सॉर्प्शन होगा, या आप कह सकते हैं कि डेल्टा एच विल बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव। अगर डेल्टा एच बहुत कम नेगेटिव हो जाता है तो अल्टीमेटली डेल्टा एच जो है वो टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा और डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी। इसीलिए एड्सॉर्प्शन अगर कराना है तो उस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। क्लियर, सो ये रीजंस हैं कि एड्सॉर्प्शन क्यों होता है। सो एड्सॉर्प्शन जब भी होता है तो रैंडमनेस क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि एड्सॉर्प्शन क्यों होता है और क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन।